मेरा स्वरूप सचित आनंद व्यापक है फिर ये सीमित कैसे केवल इस देह मन बुद्धि से क्या संबंध इसे ऐसे समझो आकाश मतलब स्पेस खाली आकाश मतलब आसमान नहीं होता आकाश मतलब स्पेस जो स्पेस बाहर है क्या वही स्पेस इस हॉल में नहीं है इसी हॉल में ये ग्लास है तो इस ग्लास के अंदर भी स्पेस है या नहीं और इसी हॉल में आपका शरीर बैठा है तो इस शरीर में भी स्पेस है या नहीं सब जगह लेकिन शरीर के अंदर का स्पेस अलग दिखता है ग्लास वाला अलग दिखता है हॉल वाला अलग दिखता है और बाहर वाला अलग दिखता है अगर मैं इसे दूं, तो क्या हो जाएगा जो बाहर है बड़ा विस्तृत वो हुआ महा आकाश क्या हुआ जो हुआ इस हॉल में वो हुआ हॉला आकाश अंग्रेजी वाला हाल आकाश जो इस शरीर में हुआ वो हो गया देहा आकाश राइट और जो इस गिलास में हुआ वो हो गया गिलासा आकाश अब ये आकाश चार हैं कि एक हैं पर ग्लास की इस बाउंड्री की वजह से लगता है इसके अंदर अलग है शरीर की बाउंड्री की वजह से लगता है इसके अंदर अलग है हाल की बाउंड्री की वजह से लगता है ये अलग है बाहर वाले महाआकाश से बट एक्चुअल में तो अलग नहीं है ना मैं शुद्ध मैं या कहो आत्मा सत्य है चैतन्य है आनंद है और व्यापक है कैसे जैसे महाआकाश पर एक अंतःकरण में जो चेतन आया तो उसने अपने आप को क्या मान लिया ये अंतःकरण ही मेरी सीमा है सीमित हो गया जैसे मैंने चार आकाश बोले ऐसे अब चार चेतन कर देते कैसे एक हुआ व्यापक ब्रह्म चेतन क्या हुआ व्यापक ब्रह्म दूसरा हुआ माया में प्रतिबिंबित चेतन कौन सा हुआ माया में प्रतिबिंबित चेतन या जिसे हम ईश्वर भी कह सकते ठीक तीसरा हुआ अंतकरण में आभासित चेतन राइट? Right? और एक चेतन वो जो अंतकरण में आभासित जो हुआ था उसका बिंब स्वरूप जिसे हम कहेंगे साक्षी तो साक्षी और जीव और ब्रह्म और ईश्वर चार चेतन हुए अब चार चेतन है कि एक ही है चेतन एक ही है लेकिन फिर भी चार मैंने कर दिए एक शुद्ध ब्रह्मा चेतन दूसरा हुआ माया वाला चेतन माने ईश्वर एक हुआ अंतकरण सहित चेतन जीव एक हुआ जो अंतकरण के समीप है उपहित जिसे हम कहते हैं, जो पास है जो पास है अंतकरण तो हम कह सकते उसे आत्मा कह ले हम उसे साक्षी कह ले ठीक है अब अगर हम माया को देखें तो माया बहुत बड़ी है और अगर आप अपने मन को देखें तो मन बहुत छोटा है राइट तो उस नाते से जीव छोटा है और ईश्वर बहुत बड़ा हो गया पर ईश्वर की ईश्वरता किससे है ब्रह्मचेतन से जीव की चेतनता किससे है आत्म चेतन से राइट और चेतन और चेतन दो तो होते नहीं वो तो एक ही हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ना ब्रह्म का ही नाम आत्मा हो गया आत्मा का ही नाम ब्रह्म हो गया यही यही ब्रह्म माया में प्रतिबिंबित हुआ तो इसी का नाम ईश्वर हो गया और यही जब अंतकरण में एक लिमिट है ना यहां जितने शरीर बैठे सबका अंतकरण अलग सबका मन अलग तो एक चेतन वो जो मन में आभासित हुआ एक चेतन वो जो मन के पास है जो पास है हम उसी को साक्षी कहें दृष्टा कहें आत्मा कहें राइट अब ये चेतन अपने आप को अंताकरण जब मैं मानता है तो अंताकरण की सीमा वाला हो गया ना जैसे आकाश ग्लास में अगर भूल जाए और वो सोचे मैं तो इतना ही हूं पर क्या आकाश इतना ही है क्या आकाश सिर्फ हमारे शरीर जितना ही है आकाश तो विस्तृत है बड़ा है इसी तरह से जो चेतन इस मन में प्रतिबिंबित हुआ उसी को हमने जीव या साधारण भाषा में मैं कहा और वो लगता है मैं तो इतना हूं तो ये बात समझ ही नहीं पड़ती है लगता है अच्छा मैं दे मन बुद्धि नहीं हूं मैं दृष्टा हूं ओके okay, मैं साक्षी हूं ओके okay, बट ये साक्षी ही ब्रह्म है ये व्यापक है रे कैसे हो गया तो ये कैसे कौन बोल रहा है सीमित मन बुद्धि बोल रहे हैं कैसे तो जब तक मन की सीमा मेरी सीमा लगेगी तब तक मैं परिचिन परिचिन मतलब जैसे यूं समझो ग्लास यहां तक है उसके बाद हाथ है ग्लास की सीमा यहां तक फिर हाथ है ग्लास यहां कट गया सीमा आ गई तो इसे हम क्या कहेंगे परिसीमित यहां आके छिन्न हो गया यहां तक कंटिन्यूटी थी ग्लास की यहां आके छिन्न हो गई तो हमने इसी को कह दिया परी मैंने छोटा छिन्न मैंने कट गया तो गिलास व्यापक हुआ कि परिछिन्न गिलास जिस शरीर ने पकड़ा है वो शरीर व्यापक है कि परिचिन ये शरीर जिस पृथ्वी से बना है वो व्यापक है कि परिछिन्न आइए पृथ्वी जल से है तो जल व्यापक है या परिछिन्न अब जल पृथ्वी से तो ज्यादा है पर अग्नि से कम है और अग्नि बनी वायु से तो अग्नि की सीमा है पर वायु और ज्यादा है उसकी अपेक्षा ज्यादा व्यापक है और ये वायु आकाश से हुई है तो आकाश की अपेक्षा वायु पर सीमित सीमित है और आकाश व्यापक सा लगता है पूरा व्यापक नहीं वायु की अपेक्षा में वायु आकाश से आकाश पंच महाभूतों से तो पंच महाभूत ज्यादा बड़े हो गए पंच महाभूत महातत्व से महातत्व से तो महातत्व महाभूत से भी बड़ा हो गया महातत्व से बड़ा है अहंकार हिरण्यगर्भ गर्भ उससे ज्यादा व्यापक और हिरण्य गर्भ अर्थात ईश्वर और ईश्वर क्या है माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब अब ब्रह्म व्यापक है इस नाते ईश्वर भी व्यापक है तो ईश्वर किसी की अपेक्षा छोटा बड़ा नहीं है ईश्वर कहो ब्रह्म कहो बात एक ही पर फिर भी एक नहीं है ईश्वर में माया है माया सहित है ब्रह्म अशुद्ध ब्रह्म में माया रहित है ऐसे ही जब मैं मन सहित हूं तो परिचिन हो गया पर अगर मन की सीमा को मैं छोड़ दूं तो मन की वजह से लिमिटेड हूं मैं मन नहीं मन की सीमा लांग गया तो फिर परिचिन हुआ के व्यापक फिर व्यापक